तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पूरा ओवरव्यू मैं इसके बारे में आपको दूंगा। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं जो है वो सिखाने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं टर्म मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग टर्म क्या है, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना। मान लीजिए किसी ने जो है वो अपने एरिया में ज्वेलरी की जो शॉप खोली है और उसको जो है वो एडवर्टाइज़ करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कर सकता है। या तो वो पैम्पलेट वगैरह छपवाएगा, बैनर वगैरह लगवाएगा, या फिर आजकल के टाइम में क्या यूज़ हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि अपने एडवर्टाइजमेंट को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। जैसे कि आप जो है देखते होंगे कि आप कुछ भी FB पे सर्च कर रहे हैं, FB पे कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं, तो बीच में जो है वो स्पॉन्सर ऐड आपको नज़र आती हैं। किसी का भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके बीच में आपको जो है वो एड्स नज़र आती हैं। तो क्या हो रहा है, वो डिजिटल फील्ड में अपनी जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, आपको समझ आया होगा कि ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। उसने जो है पैम्पलेट वगैरह छपवाया, ये जो है ऑफलाइन मार्केटिंग में आ गया, और इंटरनेट मार्केटिंग में हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि उसने जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की थ्रू एड चलाई, कैसे गूगल एड चलाई, FB एड चलाई, कैसे भी किसी भी वेबसाइट पे अपनी मैनुअली एडवर्टाइजमेंट करी। ये सब जो है कंसेप्ट आएंगे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग फ्री भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। अब सिंपली डिजिटल मार्केटिंग क्या हो सकती है, मान लीजिए किसी ने FB पर पोस्ट ही डाल दिया अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गई। ग्रुप्स में उसने जो है कुछ भी शेयर वगैरह कर दिया, तो वो भी हो गई। पेड मार्केटिंग में हमारा पास आ जाएगा FB एड उसने चला दी, तो ये हमारी प्रोफेशनल वे में एड आ गई, जिससे हम जो है अपने राइट ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी कपड़े की शॉप है, तो अपने फैशन से जुड़े लोगों को जो है वो टारगेट कर सकता है FB एड्स के थ्रू। उन्हीं लोगों को जो है अपनी ऐड दिखाएगा जिन्हें इंटरेस्ट है कपड़े खरीदने में, या कोई गेमिंग वगैरह का ज़्यादा शौकीन है, तो गेमिंग कंसोल या कुछ भी जो है उनको दिखाए जाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगे उनके कन्वर्जन के। तो उसके लिए हम FB एड्स का जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं तो इसके बाद हम और कंसेप्ट लेकर आते हैं SEO का। SEO का कंसेप्ट क्या है कि हमें फ्री तरीके से मार्केटिंग करनी है डिजिटल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेबसाइट है, उसे गूगल पर जो है वो टॉप रैंक पर लेकर आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्चेज जो है वो गूगल के हैं। कुछ भी हमने सर्च करना होता है तो हम गूगल पर जाते हैं और हम उन्हीं वेबसाइट पर क्लिक करते हैं जो टॉप 10 रैंक पर आती हैं, मोस्टली नंबर 1 नंबर 2 पर। चलिए इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ मैं SEO, ये हमारा हम कंसेप्ट है, और हमने लिखा यहाँ पर अपना कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिएगा, ये नंबर 1 पर आ रहा है, नंबर 1 पर ये वेबसाइट आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा SEO जो है वो इसके लिए किया हुआ है कीवर्ड पर। कीवर्ड क्या है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने SEO किया है, तभी ये नंबर 1 पर आ रहे हैं, ये नंबर 2 पर आ रहे हैं, ये नंबर 3 पर आ रहे हैं, ये नंबर 4, 5 ऐसे ही। तो लोग भी यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इससे ऊपर अगर हम देखें तो ये कुछ ऐड भी चल रही हैं, इस कीवर्ड पर ये कुछ ऐड चला रहे हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये गूगल ऐड का कंसेप्ट है, जिसे कहेंगे हम सर्च इंजन मार्केटिंग का कंसेप्ट, यानी कि PPC। इन्होंने पेड मार्केटिंग के थ्रू जो है अपनी वेबसाइट को इन SEO वालों से ऊपर ले आए हैं, ये पैसे खर्च करके अपने पेड एडवर्टाइजमेंट से जो है वो टॉप पर आ गए हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट आता है PPC के अंदर। हम लिख लेते हैं यहाँ पर PPC। इसके अलावा और भी कई सारे कंसेप्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग में। हम अदर वे से भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट पे जाके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योरा पे मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेज हैं, मेथड्स हैं, जहाँ पर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और इसके अलावा भी इनके जो है फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे SEO का फर्दर पार्ट्स हैं बहुत सारे। PPC में है हमारे पास YouTube एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, और इसमें डिस्प्ले ऐड, बैनर ऐड, शॉपिंग ऐड, सर्च ऐड, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें भी क्लियर हमें आगे करने हैं, तो उन पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था डिजिटल मार्केटिंग में आपको देने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक इंटरनेट पर जो मार्केटिंग हो रही है, ऑडियंस को टारगेटिंग किया जा रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो का कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में मैं जो है आपके लिए पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आने वाला हूँ FBI एड्स के ऊपर, SEO के ऊपर, PPC के ऊपर, और भी बहुत सारे ब्लॉगिंग, कैसे पैसा कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, कितना पैसा है, कितनी सैलरी मिल सकती है, जॉब लगनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हमको फॉलो करना चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको मैं जो है इसी चैनल पर क्लियर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।